हेलो गाइस, अगर आपकी स्किन भी इस समर गर्मी और पोल्यूशन की वजह से डल एंड ड्राई हो गई है और आप परेशान हैं कि किस तरह से अपनी स्किन को वापस से ग्लोई और क्लीन करें, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आज मैं इस वीडियो में अपना स्किन केयर करने वाली हूँ, जिसे आप भी फॉलो करके अपने फेस को आराम से डिटेन और क्लीन कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम जो करेंगे वो क्लिनजिंग करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर कच्चा दूध लिया है, रोम मिल्क। कच्चा दूध सबसे बेस्ट होता है, ये आपके फेस से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, डर्ट होती है, उसको निकालने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है आपकी। जितना भी हमारे फेस पे जो डर्ट स्टिक हो जाता है, उसको हटाने में भी बहुत मदद करता है। सो इससे आपकी स्किन वापस से क्लीन हो जाएगी बिल्कुल ही, और बिल्कुल फ्रेश लगेगी। सो फेस पर कुछ भी फेस पैक लगाने से पहले सबसे पहले हमें अपना फेस क्लीन ही करना होता है, और अगर हम रॉ मिल्क से क्लिनजिंग करते हैं तो ये सबसे बेस्ट रहता है। सो हमारा जो पहला स्टेप है वो बहुत ही ईजी और सिंपल है, जिसे कोई भी अपने घर पर ईजिली कर सकता है। और बस इससे अपना फेस वॉश करके फिर उसके बाद हम करेंगे अपना स्क्रब। स्क्रब के लिए मैंने यहाँ पर लिया है रॉ मिल्क, और उसमें मैंने ऐड किया है चावल का आटा। सो चावल का जो आटा है वो बनाने के लिए हमें चावल को बहुत छोटा छोटा पीस लेना है, मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है, और उसके अंदर रॉ मिल्क अच्छे से मिक्स कर देना है, और फिर उससे अपने फेस को स्क्रब कर लेना है जेंटली। बहुत ज़्यादा हार्शली स्क्रब नहीं करना है। सो हम दिन भर जो इतना बाहर घूमते हैं धूप में, उससे हमारे फेस पर इतना डर्ट और हमारी जो फेस है वो बहुत ज़्यादा टैन हो जाता है। सो ये टैन को भी रिमूव करने में हमारी बहुत मदद करता है ये स्क्रब। सो ये बेस्ट है, और इससे हमारा जो कॉम्प्लेक्शन है वो भी इम्प्रूव होता है, बिकॉज़ हमने इसमें चावल का आटा मिक्स किया हुआ है। सो इस स्क्रब को पूरे फेस पर अच्छे से लगाकर जेंटली मसाज करनी है 1 मिनट या 2 मिनट के लिए, और फिर ठंडे पानी से इसको फेस वॉश कर लेना है। सो स्क्रबिंग करके हम अपना जो फेस है वो अच्छे से वॉश कर लेंगे, और उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप होने वाला है वो उसमें हम जो आइस क्यूब्स हैं उनको अपने फेस पर रब करेंगे। आप चाहो तो आप कोई बॉल भी ले सकते हो जिसमें आइस क्यूब आपने डाल रखी हो, या फिर पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो उसमें 1-2 सेकंड के लिए अपने फेस को डिप करके भी आप रख सकते हो थोड़ी देर के लिए, या फिर इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ आइस क्यूब अपने पूरे फेस पर रब कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ एक फेस पैक, जिसके लिए मैंने बेसन लिया है और उसके अंदर रॉ मिल्क ऐड किया है थोड़ा सा, और इसका एक फ़ाइन सा पेस्ट बना के इसको मैं अपने पूरे फेस पर लगाने वाली हूँ 15 से 20 मिनट के लिए, और उसके बाद फेस वॉश कर लूँगी। आप चाहें तो इसमें रोज़ वाटर ऐड करके भी पेस्ट बना सकते हैं, या फिर कर्ड भी ऐड कर सकते हैं आप। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, मलाई और शहद का पेस्ट भी बना सकते हैं आप बेसन के अंदर ऐड करके, और ये भी बेस्ट रहता है स्किन के लिए, स्पेशली ड्राई स्किन के लिए बेस्ट रहता है। सो मैं यहाँ पे सिर्फ फेस पर ही लगा रही हूँ इस फेस मास्क को। आप चाहो तो इसको नेक पे, हाथ पे, पैरों पे, कहीं पर भी लगा सकते हो, जहाँ पर भी आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है, तो आप इसको डेली भी लगा सकते हो, तो डेली भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप डेली लगाओगे तो आपको बेस्ट से बेस्ट रिज़ल्ट इसके मिलेंगे। तो अच्छा, अभी मैंने अपना जो फेस है वो क्लीन कर लिया है, फेस मास्क जो था वो मैंने अब उतार लिया है। 15 मिनट के बाद मैंने अपना उतार लिया था, और आप देख सकते हो कि कितना फेस क्लीन और सॉफ्ट लग रहा है। इसके बाद लास्ट जो हमारा स्टेप है उसमें हम अपने फेस की मसाज करेंगे। इसके लिए आप कोई भी मॉइस्चराइज़र ले सकते हो, या अभी जो मैं अभी क्रीम बना रही हूँ आप वो भी अप्लाई कर सकते हो अपने फेस पे। यहाँ पे मैंने एक विटामिन ए का कैप्सूल लिया है और एलोवेरा जेल को मिक्स किया है थोड़ा सा, और इन दोनों को मिक्स करके एक क्रीम सा पेस्ट बन जाता है, और उसको मैं फेस पे यहाँ पे लगा रही हूँ। सो आप भी इसे लगा सकते हैं, ये भी बेस्ट रहता है। आपको इसको लगा के अच्छे से फेस पर 2-3 मिनट तक मसाज करनी है, और फिर अपने फेस को ऐसे ही छोड़ देना है, इसके बाद फेस वॉश नहीं करना है। सो फेस को डीटैन करने के लिए होम रेमेडीज़ बेस्ट होती हैं, इजीली सब कुछ घर पर मिल जाता है, और आप आराम से घर पर बैठ के अपना फेशियल कर सकते हो सिर्फ होम रेमेडीज़ की हेल्प से, और बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं, अच्छे से फेस को क्लीन कर देती हैं। एंड आई नो बहुत सारे लोग इन होम रेमेडीज़ को अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते भी होंगे, सो वे लोग भी अपना जो फीडबैक है वो नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।